पढ़ाई नहीं हो रही। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि पढ़ाई क्यों नहीं हो रही। पहला प्रश्न दिमाग में ये आता है कि आप पढ़ें क्यों, क्या होगा पढ़कर, या फिर और अच्छे से बताऊं तो वो पेपर क्लियर हो जाए इसीलिए पढ़ना है। यहाँ वो पेपर कुछ भी हो सकता है, एनी एग्जाम ऑफ योर लाइफ विच इज रिलेटेड टू योर स्टडीज। और इस चक्कर में हम करते क्या हैं? ईश्वर से प्रार्थना कि हे ईश्वर ये पेपर क्लियर हो जाए बस। ये सबसे बड़ा कारण है कि पढ़ाई नहीं होती। तो समस्या पता लगी? समस्या ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं होती, ये तो सिर्फ एक सिम्टम है जो हमें बाहर से नजर आता है और हम इसको कॉज समझ लेते हैं। किसी भी चीज को ठीक करने के लिए उसके कॉज को खत्म करना पड़ता है, और कॉज ये है कि हम अपने कर्म को छोड़कर फल की चिंता करने बैठ जाते हैं। नहीं समझे? रुको, मैं समझाती हूँ। श्रीमद् भगवद् गीता का यह श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर्, मा ते संगोत्स्व कर्मणि। अर्थात श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन से ये कहते हैं कि तुम्हारा कर्म काम करना है, तुम्हें ये अधिकार नहीं है कि तुम फल की इच्छा करो, तुम सिर्फ अपना कर्म करो, जो तुम्हारे लिए योग्य फल है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। दोस्तों, आपका काम क्या है? पढ़ना, जीवन में कुछ सीखना। तो उस फल की चिंता कि वो पेपर क्लियर हो जाए मत करो। देखो, आपका पेपर क्लियर होगा या नहीं वो ईश्वर डिसाइड करेंगे, पर पेपर क्लियर होने से पहले आपका काम आता है। ईश्वर का काम तो अभी बाकी है, भगवान जी का काम आपके पेपर देने के बाद आरंभ होगा। और भगवान जी अपना काम किस तरह से करेंगे वो आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आपके कर्मों का ही फल देना है उन्हें। आपने जितनी अच्छी तैयारी करी होगी उतना ही अच्छा मीठा फ्रूट मिलेगा। तो ये मत सोचो कि आपका पेपर क्लियर होगा या नहीं, वो काम भगवान जी का है, भगवान जी को करने दो। प्लीज चेंज योर परसेप्शन टुवर्ड्स स्टडीज। इट्स नॉट विनिंग एनी एग्जाम, इट्स द विक्ट्री ऑफ नॉलेज। लेट योर सेल्फ गैदर नॉलेज, योर फाइट इज टू लिव द लाइफ हैप्पीली डूइंग धर्म, नॉट विनिंग द एग्जाम। Winning is the gift of your good deeds. If you will gather enough knowledge, automatically you will win it. So, do the work.